हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है जिनेवा कन्वेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं हिस्ट्री की, ये कहाँ से आया, नाम किसने सजेस्ट किया था और इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो एक स्विस बिजनेसमैन था, हेनरी डंटन। ही वेंट टू विजिट अ वुंडेड सोल्जर्स आफ्टर द बैटल ऑफ सोलफर्नो इन 1859। एक एक आदमी दिखाया है, हेनरी डंटन, जो कि स्विस बिजनेसमैन था। वो सोल्जर्स को विजिट करने जाता है बैटल ऑफ सोलफर्नो के बाद, ठीक है। तो वहाँ पे वो देखता है, वो वहाँ के बहुत अचंभित हो जाता है जाके, कि मतलब कि बहुत हैरान हो जाता है कि वहाँ के जो सोल्जर्स हैं उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहे हैं। वहाँ पे उनके पास कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर इन द सेंस नर्स वगैरह नहीं है उनकी देखभाल करने के लिए, ना उनके पास मेडकिट वगैरह है। तो इससे वो काफ़ी नाराज़ हो जाता है, इससे वो काफ़ी उसका मन ख़राब हो जाता है। तो वो क्या करता है कि वो सोचता है कि अब मैं इसकी बुक लिखता हूँ कि लोगों को भी पता लगना चाहिए कि जो वॉर है उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सोल्जर्स के ऊपर क्या क्या बीतती है एक वॉर के टाइम पे, ठीक है। तो फिर वो एक बुक लिखता है जिसका नाम होता है अ मेमोरी ऑफ सोलफर्नो इन 1862, ठीक है। वो एक बुक लिखता है, वो बुक पूरी की पूरी उसके ऊपर होती है कि हॉरर ऑफ वॉर्स के ऊपर, कि जो भी सोल्जर्स हैं कि उनके फैमिलीज के ऊपर क्या बीतती है, ठीक है। उनके जब वो वॉर करने जाते हैं तो उन्हें प्रॉपर मेडिकेट्स नहीं मिलते, उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो इसके ऊपर जो जो भी उसने देखा होता है वो बैटल में वो सब लिख देता है बैटल के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो जो वो बुक लिखता है वो काफ़ी चर्चित हो जाती है, सबको मतलब कि सब पढ़ने लगते हैं उस बुक को और काफ़ी हलचल मचा देती है वाली बुक। तो ये सारी चीज़ें जो भी बुक वुक लिख रहा है वो जिनेवा में हो रही हैं, ठीक है। तो जिनेवा की गवर्नमेंट को भी ऐसा ऐसा पता लगता है कि हाँ यार, ये तो सही बात है, जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा। क्योंकि एक्चुअली एक्चुअल में देखो, सोल्जर सही गलत नहीं होते हैं, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो इस साइड के सोल्जर हों या फिर उस साइड के सोल्जर हों, वो एक्चुअल में कर तो अपना काम ही रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगस्त 22 को 1864 में, अगस्त 22 1864 में जो स्विस गवर्नमेंट है वो इनवाइट करती है सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को, एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील एंड मेक्सिको, इन सारी कंट्रीज़ को बुलाती है कि चलो एक ऐसा करते हैं, एक जेनेवा कन्वेंशन बनाते हैं जिसके अंदर जो सोल्जर्स होंगे, जो भी या तो इस साइड होंगे या उस साइड होंगे, मतलब कि या तो अटैकिंग या फिर डिफेंसिंग, जो भी दोनों साइड के सोल्जर्स होंगे उनके बारे में हम अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे। जैसे कि जो सोल्जर्स हैं, अगर हमारे यहाँ का सोल्जर वहाँ जाके डैमेज हो रहा है, वहाँ पे जाके मतलब कि घायल हो जा रहा है, तो फिर हम उनकी देखभाल करेंगे और जब वॉर कंप्लीट हो जाएगा तो उन्हें उनकी जगह पहुँचा देंगे, ठीक है। उनके खिलाफ कोई भी लॉ नहीं होगा, देयर विल बी नो लॉ अगेंस्ट देम, उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। वॉर के बाद दे शुड बी रिलीज्ड इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, ठीक है। उन्हें खाना पीना देगी, जो भी जिस कंट्री में जिस जगह पे घायल हुआ है वहाँ के लोग उन्हें खाना देंगे और बहुत अच्छे से उनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो बेसिकली एक न्यूट्रल गार्डियंस वाली सिचुएशन हो गई थी। इसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जो दूसरी जो भी सोल्जर्स जाते हैं दूसरी कंट्री में लड़ने के लिए या फिर कहीं पर भी वो जाके खो जाते हैं, तो फिर वो अपनी जगह वापस आएंगे, ठीक है। ये था एक कन्वेंशन कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता, कोई उन्हें डरा धमका नहीं सकता, ठीक है, मतलब उनके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता बेसिकली, ठीक है। तो ये था कन्वेंशन। तो फिर इन चीज़ों के लिए कुछ 16 स्टेट्स आई थी, जिसके अंदर से जो 12 हैं वो राजी हो गई थी कि ठीक है, हम ये चीज़ को ध्यान देंगे और यही चीज़ हम फॉलो करेंगे। तो 12 जो स्टेट्स थी वो कुछ ये थी, स्विस कॉन्फिडेंस कॉन्फेडरेशन, ग्रैंड डची ऑफ बेडन, किंगडम ऑफ बेल्जियम, किंगडम ऑफ डेनमार्क, सेकेंड ऑफ फ्रेंच एम्पायर, ग्रैंड डची ऑफ हेसे, किंगडम ऑफ इटली, किंगडम ऑफ नेदरलैंड, किंगडम ऑफ पोर्चुगल एंड ऑल्गेव्स, पर्शियन, स्पेन एंड किंगडम ऑफ वर्ल्ड्सबर्ग। तो इन्होंने बोला था कि अगर हम किसी के साथ भी वॉर करते हैं और हमारे सोल्जर्स अगर किसी और कंट्री में चले जाते हैं वो और घायल हो जाते हैं, तो उनकी हॉस्पिटैलिटी अच्छी होगी और उन्हें वापस अपनी जगह भेज दिया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में कर तो वो अपनी जॉब ही रहे थे। तो इंडिया ने भी ये साइन कर दिया था, इंडिया ने साइन किया था 1950 में और पाकिस्तान ने साइन किया था 1951 में। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो भी चर्चित में चल रहा है कि हमारे कोई भी सोल्जर्स कहीं पर जाके घायल हो जाते हैं तो उन्हें अपनी कंट्री वापस भेजना ही पड़ेगा। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि जो सोल्जर्स हैं उनके बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि वो कर तो अपनी जॉब ही रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी बात थी। और जो इसका बजट बनाया गया था उस टाइम पे वो था 950 मिलियंस का, ठीक है। इसके अंदर ह्यूमैनिटी भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, ठीक है। और इसके अंदर ये भी था कि अगर हमारा कोई सोल्जर वहाँ जाके पकड़ा जाता है
तो उससे बस नाम पूछेंगे और ज्यादा ज्यादा यूनिट पूछ सकते हैं उसकी, ताकि उसे वापस भेजा जा सके। उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसके साथ एक अच्छे अच्छे नागरिक की तरह बिहेव किया जाएगा और उसे अच्छे से रखा जाएगा बिना किसी धमकाए या फिर धमकिया दिए। ठीक है, तो ये बात थी हमारा जिनेवा कन्वेंशन, ये हुआ था जिनेवा में, इस वजह से इसे जिनेवा कन्वेंशन बोलते हैं। इसकी जिसने स्टार्ट की थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्विस बिजनेसमैन हेनरी डंटन। इसे बाद में 1901 में नोबल प्राइज से भी दिया गया था। जो नोबल प्राइज था वो पीस प्राइज था एक्चुअली। ठीक है, और जो इसका साइन होता है जिनेवा कन्वेंशन का, वो कुछ ऐसा होता है, व्हाइट फ्लैग, व्हाइट फ्लैग के अंदर एक रेड क्रॉस। ठीक है गाइस, तो ये था एक छोटा सा ओवर थ्रू जिनेवा कन्वेंशन पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और गाइस प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।